वीडियो में हमने ये देखा कि GANs कैसे काम करते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि GANs का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है। GANs में स्टाइल ट्रांसफर करने की क्षमता हमने पिछले वीडियो में दिखाया था, जहां हमने एक रवि वर्मा पेंटिंग को द विंची का स्टाइल दिया था। एनवीडिया स्टाइल ट्रांसफर के उपयोग करके कोई भी कुछ ही मिनटों में आर्टिस्ट बन सकता है। ये GANs की बहुत ही पॉपुलर उपयोगों में से एक है। आज GANs मोनालिसा से बातें भी करवा सकती है, लेकिन मोनालिसा में एक असली मानव का एक्सप्रेशन कैसे दिया जा सकता है, जब हमारे पास मोनालिसा के चेहरे का बस आधा हिस्सा ही अवेलेबल है। एक जेनरेटर नेटवर्क को असली लोगों के फेशियल डेटा पर ट्रेन किया जाता है। उसी ट्रेनिंग से जो भी लैंडमार्क्स यानी चेहरे का आकार, आंखों का पोजीशन और जो भी ऐसे प्रॉपर्टीज है, उनको आइडेंटिफाई करके उन्हीं प्रॉपर्टीज को एक पेंटिंग में लाया जाता है। यही नहीं, बल्कि GANs में फिल्मों को परिवर्तित करने का भी बहुत ही पोटेंशियल है। आमतौर पर ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज को कलराइज करने में बहुत साल लग जाते हैं। पॉपुलर बॉलीवुड फिल्म मुगले आजम को कलराइज करने में बहुत साल लग गए थे, लेकिन GANs के द्वारा यही काम कुछ ही दिनों में कर पाएंगे। पर GANs के कई दुरुपयोग भी हैं। आज GANs एक खतरनाक रूप धारण कर चुका है, जिसे डीपफेक के नाम पे जाना जाता है। कुछ साइबर क्रिमिनल्स सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े राष्ट्रपतियों के चेहरे को डीपफेक के मदद से बदल रहे हैं। इसका परिणाम ये है कि अगर US के प्रेसिडेंट के डीपफेक वर्जन नॉर्थ कोरिया पे वॉर डिक्लेयर कर दिया, तो इसका गलत इस्तेमाल करके कोई भी दुनिया को वर्ल्ड वॉर के दिशा पे ले जा सकता है। GANs के बुरे परिणामों को रोकने के लिए रिसर्चर्स अब कई तरह के प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि GANs गलत हाथों में ना आए। पिछले साल फेसबुक और कई ऐसे प्रमुख ऑर्गेनाइजेशंस ने कैगल पे डीप फेक डिटेक्शन चैलेंज भी शुरू किया है। इस कंपटीशन में दुनिया के कोई भी डेवलपर्स पार्टिसिपेट करके डीप फेक डिफेंस को और भी ठोस बना सकते हैं। यही नहीं, बल्कि एडोबी जैसे कंपनीज भी डीप फेक को रोकने के लिए कुछ टूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जिससे फोटोशॉप किए गए इमेजेस को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिलहाल इन सब के बावजूद चाइना ने GANs का इस्तेमाल करके न्यूज एंकर्स भी जेनरेट कर रहे हैं। पर GANs आज ऐसे प्रमुखता पा चुके हैं कि इसका फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना असंभव हो चुका है। GANs को पूरी तरह से एलिमिनेट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि GANs के वैल्यू को कोई निर्धारित नहीं कर पाया है। हाई एनर्जी फिजिक्स से लेकर मानव के मानसिक संतुलन को पहचानने तक GANs में और कई तरह के एप्लीकेशंस हैं। इसीलिए हमें ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अनुसंधान में कोई रुकावट ना आए। तो आपको क्या लगता है, GANs को पूरी तरह से एलिमिनेट करना चाहिए या फिर फायदेमंद कार्यों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? जो भी हो, GANs का अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि क्या पता किस तरह से आप धोखा खा जाएं? क्या पता आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये GANs का ही एक निर्माण हो।